हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोटैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं यहां पर ये देखने जा रही हूं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन करंट में किस थॉट्स में हैं, किस सोच में हैं, आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। तो इस पर्सन के करंट ट्रू डीपेस्ट थॉट्स आपको लेकर या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या चल रहे हैं, वो मैं यहाँ पर टैरो से देख रही हूँ। रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपने ईस्ट देव को याद ज़रूर से करना है, ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। एंड दूसरी चीज़, रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है। रीडिंग जो भी होगी यहाँ पर वो एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग हो रही है एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी आपके सामने आती है आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में बताइए। पेशेंस, ब्रेक थ्रू, इंटीग्रेशन, गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स बताइए। यूनिवर्स, अलोननेस, गाइड कीजिए। बताइए सॉरो, गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में बताइए। द आउटसाइडर एंड बॉटम की एनर्जी है स्ट्रेस। देखिए आपके सामने मैंने सारे कार्ड्स निकाले हैं और बार बार आपको बताया जाता है रीडिंग के दौरान, कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग हो रही है, जनरल रीडिंग हो रही है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी बढ़ते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में भी वो आपकी जन्मपत्री ही मांगते हैं, जो आपके ग्रह नक्षत्र होते हैं उसी के हिसाब से वो आपको बताते हैं। सेम टैरो का भी यहाँ पर ये होता है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जानना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जीज आपको पढ़वानी है, तो आपको पर्सनली अपनी रीडिंग लेनी होगी। यहाँ पर कलेक्टिव्स और जनरल रीडिंग होती है और हर एक रीडिंग आपसे मिल पाना नामुमकिन है, ठीक है। हर एक रीडिंग आपसे जुड़ पाना नामुमकिन है। हर एक सिचुएशन हर एक इंसान के जैसी नहीं हो सकती। इन सभी चीज़ों को आप समझिए, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ उन सभी चीज़ों को समझिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जिसमें आपका वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दिया। उसके अलग एरीस, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो सजिटेरियस एंड लिब्रा ये भी काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग में दिख रहे हैं। नंबर के बारे में बात करूँ तो 7 और 9 ये दो बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि जुलाई एंड सितंबर मंथ, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, चाहे ये डायरेक्टली वे में जुड़े हुए हो या इनडायरेक्टली वे में। एज एन ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में मिले थे, बिछड़े थे, सेपरेट हुए थे। 9 साल का, 7 साल का रिश्ता है। 9 महीने, 7 महीने से काफ़ी डिफरेंसेस चल रहे हैं, डिस्टेंस चल रही है, मन मुटाव चल रहे हैं। तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलने होंगे। बात कर लेते हैं कि भाई करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि बॉटम की एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रेस में है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर ये है वो बहुत रिस्की जगह है। एज एन एक ऐसी जगह पर ही अपने आप को करंट में महसूस कर रहे हैं, जैसे चारों तरफ ऐसे ऑब्स्टिकल्स इनके हैं या चारों तरफ इस तरह के चैलेंजेस हैं कि अगर इनसे एक भी चूक हो गई, एक भी गलती हो गई ना, तो इनकी पूरी दुनिया या इनके पास जो भी है वो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो करंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं और उस स्ट्रेस को सामने नहीं आने दे रहे हैं, उस स्ट्रेस को अपने ही अंदर रख रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है इस स्ट्रेस के पीछे की वजह है किसी तरह का गिल्ट, कुछ गलत इन्होंने अपनी ज़िंदगी में करा है जिसके बारे में ये पर्सन करंट में सोच रहे हैं। और मतलब सोच भी क्या रहे हैं, वो थॉट इनके माइंड में आ रहे हैं जिससे ये अपने आप को दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एज एन कि कुछ सोचना नहीं चाहते, लेकिन जब परेशानी आती है ना तो इंसान के चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ इस पर्सन के साथ करंट में हो रहा है।
एकदम अपने आप को स्टक पा रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि सब दरवाजे बंद हो गए या सारी ऑप्शंस बंद हो गए, या फिर जो अभी हालात चल रहे हैं उन हालातों को फेस करने के लायक ही नहीं बचे, वो स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं बची। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन को जैसे करंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हो, और ये जो भी स्ट्रेस की वजह है उसके मामले में ये अपने आप को इवन अकेला भी पा रहे हैं कि एज एन की ये स्ट्रेस बस इन्हीं की दुनिया में है, इन्हीं की ज़िंदगी में है, और इसे झेलने वाले, इसे फेस करने वाले भी बस अकेले हैं। तो ये पर्सन करंट में काफ़ी परेशान है, अकेले हैं, अंधेरे में अपने आप को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और बस ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये अंधेरा छटेगा और कब इनकी ज़िंदगी में उजाला आएगा, कब इनकी ज़िंदगी में रोशनी आएगी। तो उस चीज़ का जैसे कि ये पर्सन बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो, लेकिन ये जो वेटिंग मोड है ना इस पर्सन का, ये पेशेंस भी आप देखिएगा, ये जो वेटिंग मोड है इस पर्सन का ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और उसी चीज़ का ये पर्सन करंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं। अपने इमोशंस को ये पर्सन ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये सब्र करने को लेकर, एज एन वेट कर तो रहे हैं लेकिन इनका ये जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है, ये अपने आप को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे जितनी मेहनत कर रहे हैं अपने आप को इस अकेलेपन से, इस दर्द से, इस स्ट्रेस से बाहर निकालने की, उतना ज़्यादा उसमें फंसते जा रहे हैं। तो इन्हें करंट में ऐसा लग रहा है। तो करंट में देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, और इन्हें कोई भी उम्मीद इस तरह से नहीं दिख रही कि कहीं से भी इन्हें कोई रोशनी दिख जाए और ये अंधेरापन छट जाए। जैसे कहते हैं ना कि अंधेरे में अगर छोटा सा दिया भी जल जाता है ना तो भी अंधेरा हट जाता है, और वही कुछ इस पर्सन के साथ करंट में हो रहा है। डीप इनसाइड इन्हें ऐसा ही लग रहा है कि अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे के ख़त्म होने की छोटी सी उम्मीद भी नहीं दिख रही है, और इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन का सब्र का बांध, जो ये बहुत लंबे समय से बांधते भी आ रहे हैं, हो सकते हैं 9 महीने हो गए हों आप दोनों को एक दूसरे से अलग हुए हुए, सेपरेट हुए हुए, या इस तरह की सिचुएशन को चलते हुए। तो इनके साथ करंट में यही हो रहा है कि ये पर्सन ना थक गए हैं वेट करते करते, और उस चीज़ को संभालते संभालते, उससे फाइट करते करते, और उसी चीज़ का ये पर्सन करंट में जैसे कि स्ट्रेस ले रहे हूँ। टैरो से देखते हैं तो और क्लैरिफाई होगा, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर किसका इंतज़ार कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, पेशेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर किसका ये पर्सन बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। 1, 2, 3 एंड 4। हर्मिट की एनर्जी फिर से आई है, यानी कि अलोननेस, एंड नंबर 9 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग में एनर्जी है वो है वर्गो एंड जेमिनी की, तो पॉसिबिलिटी है आप लोग इसी तरह से कपल हैं, एक यहाँ वर्गो है और एक यहाँ पर जेमिनी है। देखो ये पर्सन ना डेफिनेटली एक वक्त पे आपकी ज़िंदगी से दूर गए हैं, आपको अकेला छोड़कर गए हैं, या कोई ऐसे सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है जिसमें आपको ही इस पर्सन को छोड़कर यहाँ पे से जाना पड़ा हो। उस वक्त पे इस पर्सन को यही लगा कि ये जो भी हो रहा है, चाहे ये छोड़कर जा रहे हैं या आप इन्हें छोड़कर जा रहे हैं, अल्टीमेटली ये इस सिचुएशन को संभाल लेंगे, अल्टीमेटली ये जो भी हो रहा है ना वो वक्त के हाथों पे छोड़ दिया जाएगा, यूनिवर्स के हाथों पे छोड़ दिया जाएगा, तो अपने आप सही भी हो जाएंगी। तो एक वक्त पे ये पर्सन आप दोनों के बीच में जब सेपरेशन हो रहा था, चाहे वजह कोई भी क्यों ना हो, तो उस वक्त पे ये पर्सन उस सिचुएशन को बहुत लाइटली ले रहे थे, इन्हें लग रहा था कि हाँ मैजिक हो जाएगा, या ये वो गट्स रखते हैं इन, या वो पावर रखते हैं कि चीज़ें अपने आप इनकी तरफ सही होकर भी आ जाएंगी। इतने ज़्यादा ये पर्सन एक वक्त पे कॉन्फिडेंट थे, और उसी कॉन्फिडेंट की वजह से ये पर्सन चुप भी बैठे रहे, अपने आप में रहे इस उम्मीद के साथ कि भाई सब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। लेकिन करंट में इस पर्सन को डीप इनसाइड ये लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा, वक्त
कुछ भी सही करके नहीं ला रहा, बल्कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये वक्त ना इनके करे हुए का हिसाब इनसे ले रहा है। ठीक है, इन्हें करंट में ऐसा लग रहा है जैसे कि जो इन्होंने दिया वो इनसे लिया जा रहा है, या जिस तरह का सब्र, जिस तरह का वेट इन्होंने आपको कराया, अब वही सब्र वही वेट इन्हें खा रहा है, इन्हें परेशान कर रहा है, इन्हें अकेला कर रहा है। तो करंट में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो पेशेंस कर रहे थे, ये वेट कर रहे थे, अभी तक वो पेशेंस करना इन्हें लग रहा था कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ या मैं सही सोच समझ कर काम कर रही हूँ। लेकिन इस वक्त में इस पर्सन को करंट में ये लग रहा है कि ये वक्त जो इन्होंने आपके हिस्से डाला, ये इनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है, इन्हीं से अब वेट नहीं हो रहा और ये इससे ज़्यादा कितना वेट करें, तो वो चीज़ें जैसे कि इस पर्सन को और भी ज़्यादा परेशान कर रही हो, तो ऐसा इन्हें फील हो रहा है डीप इनसाइड, जैसे ये ना तो कहने लायक बचे ना उसे अपने आप में रखने लायक बचे हैं। अपने आप रख रहे हैं तो स्ट्रेस हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, और अगर बाहर बता रहे हैं तो लोगों की, चार लोगों की हंसी सुनने को मिलेगी, एज इन कि भाई जहाँ पे तुम्हें एक्शन लेना था तुम वहाँ पर वेट कर रहे थे, मिरेकल का वेट कर रहे थे। तो उस तरह की चीज़ें ना इस पर्सन को करंट में बहुत परेशान कर रही हैं, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो पेशेंस कर रहे थे लेकिन अभी डीप इनसाइड इस पर्सन से वो वेट नहीं हो रहा, वो पेशेंस इनसे नहीं हो रहा, जिस रीज़न की वजह से ये अकेला फील कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर है। अपने आप को ही अकेला महसूस कर रहे हैं कि यही अकेले रह गए वेट करते करते। ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आपके व्यूअर्स के पर्सन अपने आप को इस वक्त में डीप इनसाइड किस वे में टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, किस तरह से ये अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन किस तरह से अपने आप को टूटा हुआ पा रहे हैं। 1, 2, 3 एंड बॉटम की एनर्जी 4। लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई चांसेस हैं कि आप इस पर्सन की ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो, एंड नंबर 6 यानी कि जून मंथ मुझे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है। देखो मैंने बोला ना करंट में ये पर्सन इस तरह से महसूस कर रहे हैं जैसे कि पूरी तरह से हिलकर रह गए हो, इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। और जब ये ज़मीन खिसकी ना तो इन्होंने जिससे प्यार करा था, जिसे उस वक्त पे वक्त के हाथों पे सौंप दिया था, वो भी इनसे छूट गया। तो करंट में इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन ना आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये पर्सन चाहते थे भी और चाहते भी हैं, आपके साथ घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, बुढ़ापा हो, तो उस तरह की स्टेबिलिटी ये पर्सन आपके साथ देखना चाह रहे थे। लेकिन कुछ आप दोनों के बीच में इस टावर की वजह से इतनी चीज़ें बिखरी कि ये जो स्टेबिलिटी चाहने का सपना था ना वो सपना ही बनकर रह गया। उस चीज़ को जितना ये पर्सन करंट में डीप इनसाइड महसूस कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को टूटा हुआ फील कर रहे हैं। तो ये टूटा हुआ अपने आप को अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जितना वेट करेंगे, जितना वेट करवाएंगे, उतना ही स्ट्रांग बनकर ये रिश्ता आएगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांग तो नहीं बना, बल्कि बजाय स्ट्रांग होने के ये अपने आप को अब पूरी तरह से बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि इन्हें करंट में डीप इनसाइड ये लग रहा है कि जैसे कि ये ज़िंदगी का इतना बड़ा फेज़ है इनकी कि ये कुछ अगर संभालने भी चले ना तो ये कुछ संभाल नहीं पाएंगे, अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ करना भी चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। तो ओवरऑल ये पर्सन जो टूटा हुआ फील कर रहे हैं वो अपनी लव लाइफ को लेकर जो आपके साथ था, अपनी लाइफ में एक हेल्दी ग्रोथ को लेकर जो आपके साथ चाहते थे, एक परिवार स्टेबिलिटी को लेकर जो आपके साथ चाहते, तो उस वो सभी चीज़ें जो चाह कर भी पूरी नहीं हुई हैं, उस मामले में ये पर्सन करेंटली डीप इनसाइड अपने आप को पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, कर ये डेफिनेटली आपके साथ, या आप अगर मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, तो दोनों ही सूरतों में ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं। इंटीग्रेशंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट और डीपेस्ट फीलिंग्स, बताइए यूनिवर्स।
राइट कीजिए, 1, 2, 3 एंड बॉटम की एनर्जी लेते हैं, 2 ऑफ कप्स, द स्टार, जजमेंट एंड 2 ऑफ वुड्स। नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई दिया, यानी कि फरवरी मंथ, तो पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों को तो 2 साल हो गए हैं एक दूसरे से सेपरेट हुए हुए, या 2 साल से ये पर्सन बस कंफ्यूज ही हैं, इसके भी चांसेस हैं। ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट का कनेक्शन मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिख रहा है, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं। बेसिकली ये पर्सन ना आपके साथ अब डीप इनसाइड बैलेंस चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स एंड द स्टार दोनों ही बैलेंस को डिनोट कर रहा है, इंटीग्रेशन भी बैलेंस को ही डिनोट कर रहा है। इवन आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन करंट में डीप इनसाइड आपके साथ बैलेंस्ड तो चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि ये जो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन सभी के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन्होंने यहाँ पर चीज़ों को वक्त पे छोड़ा, भगवान पे छोड़ा, यूनिवर्स पे छोड़ा, और भगवान भी यही चाहता है, या भगवान भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो बेसिकली काम करे, बैठे बिठाए उनके ऊपर सब चीज़ें ना छोड़ दे। तो ये पर्सन करंटली डीप इनसाइड इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब ये इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि अब ये सभी चीज़ें कैसे बैलेंस में लेकर आए, क्योंकि ये चीज़ें अब इतनी आसान नहीं रही। जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इन्होंने कर लिया, और फिर उसके बाद ये सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें, तो वही चीज़ें इस पर्सन के साथ करंट में हो रही है, या वो डीप इनसाइड ये सोच रहे हैं। हो ना हो, देखो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने जो खाते हैं ना वो दिखाने पड़ रहे हैं, जो जैसा करा जैसा दिया वो ये भर रहे हैं। तो आपके पर्सन के यहाँ पे खाते जैसे चेक करे जा रहे हैं, और इन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में सामने वाले को कुछ दिया नहीं, स्पेशली अपनी लव लाइफ में। और ये पर्सन करंट में डीप इनसाइड इस सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस कर भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जितना ज़्यादा इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने इमोशंस को बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। रीज़न इनके ना बैलेंस करने के पीछे की है, जब कहते हैं ना, जब एग्ज़ाम्स तो दे दिए, लेकिन एग्ज़ाम्स देने के बाद जब रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट की धुक धुक इस पर्सन के सीने में हो रही है, उसका डर इस पर्सन के सीने में इस वक्त में चल रहा है, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। अलोन एंड इसको क्लैरिफाई कीजिए, बताइए किस मामले में व्यूअर्स के पर्सन अपने आप को इस वक्त में डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए अलोननेस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीपेस्ट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, 1, 2, 3 एंड 4। The Wheel of Fortune, Knight of Cups and 6 of Cups and Page of Cups. ठीक है, देखो ये 6 of Cups की जो एनर्जी है, ये बेसिकली पास्ट के पर्सन को दिखाती है, ठीक है, यानी कि आपका साथ। ये पर्सन करंट में डीप इनसाइड इमोशनली लेवल पर अपने आप को अकेला पा रहे हैं, और वो जो इमोशनली लेवल पर इस पर्सन को प्यार, ऑफर, सपोर्ट, केयर मिलती थी ना, वो आपसे मिलती थी इनके पास्ट के पर्सन के साथ, जिसे इन्होंने पास्ट बना दिया, वरना आप तो इनके करंट पार्टनर ही हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन करंट में डीप इनसाइड अपने पास्ट के पर्सन, यानी कि आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इवन ये पर्सन इस वक्त में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आपकी तरफ से अब कोई ऑफ़र आएगा या नहीं आएगा, या इन्हें आपकी तरफ ऑफ़र लेकर जाना पड़ेगा, या ये जो आपका बहुत लंबे समय से वेट करते रहे हैं, आपको वेट कराते रहे हैं, क्या उस वेट का कुछ रिज़ल्ट इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ों के मामले में ये अपने आप को इस वक्त में डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे हैं। इमोशनली लेवल पर तो बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि हाँ, मेरे कार्मिक चल रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया, मेरे खाते खुल रहे हैं, और इनके कार्मिक की वजह से ही यहाँ पर ये पर्सन इमोशनली लेवल पर अपने आप को डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा अकेला पा भी रहे हैं।
आप इस पर्सन के गुड लक थे, आप इस पर्सन के वो लकी चार्म थे, वो वेल विशर थे, जिसे इन्होंने ना उस वक्त पे पहचाना नहीं। एज एन आप इन्हें जो दे रहे थे, जो भी ऑफर आपकी तरफ से इनके लिए था ना, वो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स के तौर पर था। लेकिन इस पर्सन ने, जैसे कहते हैं ना, भगवान ने इन्हें ब्लेसिंग्स दी और इन्होंने उस ब्लेसिंग्स को भी नकार दिया, उसी को अपने आप से दूर कर दिया। तो वो चीज़ें करंट में इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड चल रही हैं, ठीक है। सौरव को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स बताइए। किस चीज़ का इस पर्सन को इस वक्त में डीप इनसाइड दुख हो रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 1, 2, 3 and 4 ओके, डेथ, चीज़ें ख़त्म हो गई, उस चीज़ का दुख हो रहा है। मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि देखो, आप दोनों के बीच में ना अब काफ़ी लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं, चाहे ये परिवार वाले हो, दोस्त यार हो, और उन्हीं की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं ये निर्णय भी लिया, ये डिसीज़न भी लिया कि भाई हाँ, ये वेट कर लेंगे, आपको छोड़ देंगे या आपको बैलेंस नहीं देंगे। तो इन्होंने इन्हीं चार लोगों की वजह से, चाहे ये परिवार वाले, दोस्त यार, कोई भी क्यों ना हो, इनकी वजह से इन्होंने आपके साथ के कनेक्शन का डेथ करा और एक फैसला लिया। जो भी इन्होंने इन्हें ऑफर दिया, इन्होंने उसे सीने से इस कदर चिपका दिया और आपको कब अपने पैरों के नीचे इन्होंने कुचल दिया, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर डीप इनसाइड अब करंट में काफ़ी ज़्यादा शोक मना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अफसोस में ये पर्सन इस वक्त में है, ठीक है। यानी कि जो करा, कैसे रिश्ते का ख़त्म करा, किन की बातों में आकर करा, क्या फैसला लिया, क्या फैसला लेकर किस चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ लिया, किस चीज़ को पैरों के नीचे कुचल दिया, उन सभी चीज़ों की ये पर्सन करंट में ना डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं। और जितनी ज़्यादा ये पर्सन कैलकुलेशन कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं उदास बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अब अकेले भी पड़ रहे हैं और उदास भी हो रहे हैं। द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट थॉट्स क्या है, अभी क्या, किस चीज में, किस वे में बाहर आना चाहते हैं, गाइड कीजिए, बताइए। किस वे में अपने आप को अब स्टक पा रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। 1, 2, 3 and 4 यहाँ पे है द एम्परर, 7 of cups, द फूल एंड 8 of cups। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक वक्त पे ना इस पर्सन को बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए गए थे और दिखाने वाले इनके परिवार के कोई मुखिया मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई अथॉरिटिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जिसने ना इन्हें बहुत कुछ लालच दिया, एज इन कि भाई पैसा, पैसे का लालच, स्टेबिलिटी का लालच, नई ग्रोथ का लालच, जिसके चलते इन्होंने ना ये फैसला ले लिया कि हाँ, ये नई शुरुआत करेंगे और ये आपसे मूव ऑन करेंगे। अब करंट में डीप इनसाइड ये पर्सन अब उसी फैसले को, जो मैंने यहाँ पे भी बताया, कि उसी फैसले को लेकर ये परेशान भी हैं, उदास भी और स्टक भी अपने आप को फील कर रहे हैं, एकदम ऐसा फील कर रहे हैं कि अभी कैसे इस फैसले को बदलें, कैसे इस नई शुरुआत को रोके जो भी इन्होंने कर दी है, क्योंकि ये नई शुरुआत इन्हें बहुत दूर लेकर जा रही है। ये नई शुरुआत का कोई और छोर इस पर्सन को नहीं दिख रहा, इसीलिए ये डीप इनसाइड अब अपने ही फैसले पर स्टक भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन बेसिकली पहले इनके साथ में, इनके पक्ष में चले गए होंगे, लेकिन अब ये पर्सन इनके खिलाफ भी जाने में अपने आप को पूरी तरह से असमर्थ पा रहे हैं, इसीलिए ये अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम की एनर्जी है द हाई प्रीस्ट, जो मैंने आपको बताया कि डीपली है ये थॉट्स, मैंने पढ़े कि डीप इनसाइड इनके क्या चल रहे हैं, और डीप इनसाइड इस पर्सन के चल रहा है अब रिग्रेट, यानी कि गिल्ट। और अब ये पर्सन उस एनर्जी में है कि कुछ सोचने लायक भी अपने आप को जैसे पा नहीं रहे हैं ये पर्सन, कि एक्चुअली में ये सोचे तो सोचे क्या, तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में, इनके दिल में डीप इनसाइड चल रही हैं। चलिए देखते हैं आपसे कहना क्या चाहते हैं अब ये पर्सन, गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं अब ये पर्सन, गाइड कीजिए, बताइए। बहुत सारे हैं ये।
आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस. अभी आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी इन्हें परवाह होती है कि लोग आपके बारे में, इनके बारे में क्या कहते हैं. उन्हीं लोगों की अभी परवाह कर रहे हैं जिन लोगों की कभी एक वक्त पे ये पर्सन बातों में आए थे. आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू. आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनकी कभी भी ये मंशा नहीं थी कि आपको हर्ट करे. और देखते हैं, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट. आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपके समय की और आपके कमिटमेंट की अब बहुत ज्यादा जरूरत है. आई डोंट डिजायर एनी वन द वे आई डिजायर यू. आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें किसी और की इतनी डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है जितनी की इन्हें आपकी है. आई नो यू वॉन्ट फील द सेम. आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं कि आप अब ऐसा शायद फील नहीं कर रहे होंगे जैसा कि ये कर रहे हैं. आई नीड मोर टाइम. कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपके वक्त की ज़रूरत है या थोड़ा सा और इन्हें वक्त चाहिए. यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल. तुम ही वो इंसान थे जिसने बेसिकली जाना कि मेरे चेहरे पर कैसे स्माइल आती है. ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए आज गाइडेंस के कार्ड्स निकालती हूँ. काफ़ी वक्त हो गया आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स नहीं निकाले गए हैं. गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए. बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए यूनिवर्स. तो यहाँ पे है मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट यू फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज एंड नॉस्टैल्जिया. तो बेसिकली ना आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि देखो आपको बस अब यूनिवर्स की तरफ से अपने लिए वही चीज़ें मांगनी है जो आप डिज़र्व करते हो. वो चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देनी है जो आप डिज़र्व नहीं करते हो. आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो जो आपको जज ना करे. ठीक है, आप ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हो जो आपको आपकी तरह ही एक्सेप्ट करे या आपको चार लोगों की बातों में आकर आपके साथ गलत ना करे. तो अब आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट तो करना है लेकिन अपने मन मुताबिक करना है. ऐसी गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आ रही है. ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि आपके पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, डीपली दिल में इनके क्या चल रहा है. आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो. अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे. आज के लिए बस इतना ही. ओके, बाय बाय.